नमस्कार, मैं हूं रोहित माहेश्वरी और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का लाइव सेशन। जी हां, आज मैं एक ही बात कहूंगा कि शानदार गेंदबाजी और धराशायी बल्लेबाजी, क्या अहमदाबाद में होगी आतिशबाजी? और हमारे साथ है अश्विन, जो हमेशा खाने पीने की बात बहुत करते हैं। तो मैं आज अश्विन से पूछना चाहूंगा कि अश्विन बताएंगे कि आज क्या अहमदाबाद में ढोकला, फाफड़ा, खागरा खूब बिकने वाला है क्या अश्विन? बिल्कुल, ननियाल भी है। मैंने मामा को फोन करके कहा स्पेशली कि रोहित और विराट को जरूर खिलाएं, बुमराह स्पेशली गुजरात के हैं, तो आज लगता है कि उनकी माँ ने या उनकी पत्नी ने जरूर सब खिला के भेजा होगा। तभी बुमराह आते ही उन्होंने, अगर बात करें पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, तो बांध के रखा। 7-5 ओवर और 10 ओवर के देखें, दो स्लॉट को बांट गए पहले पावर प्ले को, तो बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी थी। अब पिछले मैच के शतक वीर कहे, शतक लगाने वाले अब्दुल्ला को उन्होंने रास्ता, उनको पवेलियन भेजा, और उनके साथ साथ देखिए आप मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ी जो सेंचुरी लगाए थे, बाबर आजम को चलने नहीं दिए, कमाल की गेंदबाजी लगी मुझे आज। और उनका साथ भी मोहम्मद सिराज ने एकदम बखूबी निभाया। बाकी स्पिनर की बात तो आगे हम लोग करेंगे, स्पिनर ने भी बड़ा कमाल किया सर। तो अश्विन, मैं पहले पूछना चाहूंगा कि जब मैच शुरू हुआ, शुरुआती पारी जब बल्लेबाजी शुरू हुई, हमारे पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने स्टार्ट करी बल्लेबाजी, तब आपको क्या लग रहा था? उस टाइम रन रेट भी ठीक ठाक था, विकेट भी एक ही निकला था शुरू में, अगर हम बात करें तो उस टाइम आपको क्या लग रहा था कि पाकिस्तान कहां तक स्कोर ले जाएगा? सर मुझे अगर बात करें शुरुआती में, और रोहित ने टॉस जीता, उसके बाद जब गेंदबाजी हुआ ऐसा लगा, मुझे लग रहा था कि कहीं गलत तो नहीं कर दी इंडियन टीम के कप्तान, क्योंकि स्टार्ट में जो आपको पहले बैटिंग करने वाले एक अच्छा टोटल स्कोर बोर्ड पे लगा देती है। तो मुझे इस बात का रहा था कि कहीं ये फैसला उल्टा ना भारी पड़ जाए। और वैसे जब आपके पास धूप होती है, उसके बाद शाम होती है, 8 बजे के बाद रोज पड़ती है सर, तो बैटिंग करना बहुत प्रॉब्लम होती है 8-9 बजे, आईपीएल में भी देखा गया। तो लेकिन जब मोहम्मद सिराज के एक ओवर में 2 चौके लगे, तो लग रहा था कि सर ऑनेस्ट बोलूं, बी ऑनेस्ट की लग रहा था 300+ रन जाएगा। कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि बाबर आज लय में, वो भी वापस आ सकते हैं, मोहम्मद रिजवान लय में तो है, वाइड बॉल का कमाल का बैट्समैन है सर, इमाम भी बहुत अच्छे से खेल रहे थे, और अब्दुल्ला की तो बात ही छोड़िए सर, उनको मौका मिला खेलने, तो लग रहा था 300+ टोटल जाएगा। तब भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल होनी चाहिए, क्योंकि जैसा विकेट अभी तक बिहेव किया है कई मैचों को देखे तो। तो अभी आपको क्या लग रहा है हमारे जो बॉलर्स ने कैसा प्रदर्शन किया, खासकर बुमराह के बारे में पूछना चाहूंगा सर। मैं अगर मैं कहूं कि 10 में से मुझे 10 में से नंबर देना पड़े, 100 में नंबर देना पड़े, तो मैं एक अंक बढ़ा के दूंगा। बुमराह अगर कहें सर, आज के समय में जिस तरीके से चोटिल होने के बाद टीम से बाहर जाते हैं, फिर उन्होंने अपना बेंगलोर में एनसीए में उन्हें पसीना बहाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, फिटनेस अपने पाते हैं, उसके बाद वापस दबाए, चाहे एशियन कप की गेम की बात करें, एशियन कप की बात करें, उसके बाद आप सब देख रहे हैं, आप 4 विकेट पिछले मैच में निकाले थे बांग्लादेश के खिलाफ, आज उन्होंने कमाल किया। एक रन ही देखिए सर, 2.8 की, उसमें से एक मिडन उन्होंने फेंका। तो जब आपका टीम एज ए टीम खेलते हैं, बॉलिंग यूनिट के आप कहें तो कप्तान है सर, क्योंकि आप पहले बॉल डालने आते हैं और बड़ा नाम है, तो सर दिखा। आप देखें, अगर शार्दुल की बात छोड़ दें, बाकी सब ने 2 विकेट पाए हैं, कुलदीप यादव 2 विकेट पाए हैं, रविंद्र जडेजा 2 पाए हैं, हार्दिक पांड्या 2 पाए हैं, मोहम्मद सिराज पाए हैं, जो तो हीरो हैं, आशीषी के बेस्ट ऑफ मतलब प्लेयर ऑफ द मंथ के नॉमिनेट थे, शुभमन गिल तो अवार्ड जीत चुके हैं, तो बुमराह कमाल का करते हैं, बुम बुम वाली जो स्थिति है, उनको पता है कि हमको नई बॉल से कब स्विंग करानी है, पुरानी बॉल का कैसे इस्तेमाल करना है, उसका उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल एकदम अपने अनुभव एक्सपीरियंस के साथ फायदा उठाया। और साथ में आप कई सारी तस्वीरें ऐसी देखेंगी, विराट से रोहित बातचीत करते हैं, बड़े प्लेयर एक यूनिट दिख रही सर, आप इस साल परफॉर्म करें, कोई जैसे मीडिया में खबरें आती थी उस तरीके से कोई बात नहीं है, ये सबसे प्रबल दावेदार लग रही सर, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया के बाद जैसे आज प्रदर्शन इन्होंने किया, अफगानिस्तान के बाद आज पाकिस्तान के, कमाल की सर। मुझे तो लगता है कि 2023 का कप आने वाला, दिवाली से पहले मुझे लगता है सर आज पटाखा देखेगा और ढोकला फाफड़ा मेरे तरफ से मैं खिलवाऊंगा। हालांकि मैं ये बात कहूंगा कि आज कुलदीप यादव ने और रविंद्र जडेजा ने भी बहुत शानदार गेंदबाजी की है, इकोनॉमी रेट उनका भी बहुत शानदार रहा है। वहीं अब मैं अश्विन से बस इतना पूछूंगा कि 191 है टोटल, इंडिया कितने ओवर में इसे कवर कर लेगी?
जिस तरीके से पोटेंशियल है टेक्निकल अगर बात करें स्किल की बात करें तो कमाल के बल्लेबाज हैं सर, जहाँ शुभमन गिल और रोहित ओपन करने आएंगे तो मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ेगी। हाँ लेकिन क्रिकेट है उनके भी गेंदबाज अच्छे हैं, शाहीन अफरीदी हैं, राउफ हैं, तो अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन उस लय में नहीं है जिस लय में होना चाहिए, ना उतनी पोटेंशियल कैपेसिटी है जितने भारतीय गेंदबाजों में जो 5 विकेट निकाल सके, जो इकोनॉमी रोक सके, रन न दे, विकेट न निकाले लेकिन रन रोक सके, वो पोटेंशियल नहीं दिख रहा है इस वाली पाकिस्तान टीम में। हाँ लेकिन 23 ओवर तक मुझे लगता है कि गेम फिनिश होने वाला होना चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह की बात करें वो भी लय में है सर। के राहुल 5 नंबर पे अच्छी बैटिंग करते हैं, विराट का तो मैं नाम इसलिए नहीं लिया, विराट को तो अलग रास आता है। शुभमन गिल की बात करें सर, 35 मैच उस बंदे ने खेला है, 35 में उसके 6 सेंचुरी हैं और उनमें से सर 9 हाफ सेंचुरी हैं, और स्ट्राइक रेट की बात करें 102 है, एवरेज 66 का है। अगर 2023 की ओर में बात करूं तो हाईएस्ट शुभमन गिल 208 इसी 2023 में बनाए, आईपीएल में उन्होंने शतक लगाया और टेस्ट में शतक लगाए और 20 मैच में 2023 में उन्होंने सर 5 सेंचुरी लगाई, तो आप देखिए कितना बड़े कद का प्लेयर है। युवराज ने एनआई को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने बात की, मैंने कहा कि मैं कैंसर से पीड़ित था, वीरेंद्र सहवाग बुखार था और टाइफाइड तो खेले थे, तो वही जज्बा देखिए सर, डेंगू से आपको 10-15 दिन महीनों लग जाते हैं आपको रिकवर होने में। देखिए कितने दिन हुआ, 2 ही मैच ड्रॉप हुआ, बंदे ने कहा मैं खेलूंगा, कल 1 घंटा फुटबॉल खेला और नेट प्रैक्टिस की, आज मैदान पे फील्डिंग करते हुए नजर आए। शुभमन गिल का जब बल्ला चलता है ना, जो कहते हैं ना प्रिंस ऑफ क्रिकेट या फ्यूचर ऑफ क्रिकेट भारत का, जो बहुत अच्छे सुनहरा होता है, मैं तो ऐसे ही प्लेयर पे कहता सर, आप जितने भी कवर ड्राइव देखेंगे कितनी जमीन से छूती हुई जाएगी, तब स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं, जब बल्ले पे आवाज आती है ना मन एकदम खुश हो जाता है कि गजब का प्लेयर है, अपने आप को कितना सर सीमित किया, अपने आप को कितना टाइम दिया है और कितने अपने आप को सर खपाया है इस दिन के लिए। और जैसे कहते हैं ना, सचिन के बाद लेगेसी को बढ़ाया, रोहित शर्मा ने उनके रिकॉर्ड भी ब्रेक किए सबसे ज्यादा ओडीआई में सेंचुरी लगाने का, रोहित विराट की बात करें वो भी रन और सेंचुरी के मामले में बढ़ रहे हैं। इन दोनों के बाद सर इंडियन टीम को अगर ऊंचाई पर कोई ले जाएगा तो ये दो प्लेयर हैं, मुझे लगता है बुमराह और सर शुभमन गिल, कमाल का बल्लेबाज है सर। अच्छा अश्विन, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आज इंडिया की टीम में आपकी निगाह में कौन सा बल्लेबाज कमाल करने वाला है और अहमदाबाद में आज गरबा होगा कि नहीं? बिल्कुल सर, कल नवरात्रि भी तो 15 तारीख से शुरू हो रही है सर, और गुजरात में तो मेरी माँ वहीं की हैं, तो अलग लेवल का गरबा रात में 1-2 बजे, इसलिए मैच पहले वर्ल्ड कप का अनाउंसमेंट हुआ था तो 15 अक्टूबर को होना था, लेकिन गरबा और नवरात्रि अलग तरीके से गुजरात में मनाते हैं, तो बिल्कुल सर आज गरबा भी होगा, आज दीपावली भी होगी, आज होली भी होगा, क्योंकि आज अमित शाह से लेके जयशाह से लेके अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और बहुत लोकप्रिय सिंगर अरिजीत सिंह भी आज मैदान में है सर, गोल्डन टिकट के थ्रू रजनीकांत जी भी आए हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, तो आज कमाल का बल्लेबाजी की बात करें मेरी निगाहें तो सर 2 पे, शुभमन और विराट पे। मैं तो दुआ करूंगा माता रानी से कि मौका ही नहीं लगे विराट बाकी टीम को, तो ही ओपनर जिता के चले हैं, बहुत बड़ा टोटल ही, और ऐसे ओपनर है भारत के पास अभी, मेरे जहन में दिमाग में बात है कि दोनों दोहरे शतक ओंडे में लगाए, एक के पास 3 दोहरे शतक है, 264 हाईएस्ट था रोहित के पास, और आपका भी नाम रोहित है, आज भी आज ओपनिंग करते हुए बड़ा कमाल कर रहे हैं और आप अच्छे भी लग रहे हैं सर, मुस्कुराहट आज आपको शाम को रात तक भी मिलेगी क्योंकि आज रोहित और शुभमन ही मैच जिताएंगे सर। चलिए तो वक्त ही बताएगा क्या होता है, लेकिन मैं एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा अश्विन, आज आपको कौन सा पाकिस्तानी बॉलर ऐसा लग रहा है जो संकट में डाल सकता है टीम? सर मोहम्मद, अगर बात करें मोहम्मद, अगर बात करें सिराज और बुमराह जिस तरीके से परफॉर्म किए हैं और हार्दिक पांड्या को जिस तरीके से मदद मिली थी, उससे शाहीन अफरीदी से सर बच के रहना पड़ेगा। अगर आप 7-8 ओवर अच्छे से खेल लेते हैं, जल्दबाजी में करिए, जरूरी नहीं कि आप 30 ओवर में मैच जीत लें, क्योंकि अंक तालिका में आप 3 नंबर पे हैं, रन रेट का मसला इतना नहीं होना चाहिए, तो इनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा पहले पावर पे लें, उसके बाद आप 30 ओवर तक अगर 15 ओवर खेल लेते हैं दोनों मिलकर स्कोर बोर्ड पे, मुझे लगता है सर 15 ओवर में अगर आप 100 भी लगाते हैं तो आपको जल्दबाजी नहीं, 100 नहीं तो 70 से 80 भी लगाते हैं तो बहुत अच्छा शुरुआत मानेंगे बल्लेबाजी की, उसके बाद 30 ओवर के बाद तो आप देखते हैं T20 मोड में रहते हैं, 30 से 40 का स्लॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 4 फील्डर ही सर्किल दायरे से बाहर होते हैं, तो आप वहां रन बटोर सकते हैं जल्दबाजी नहीं की। नई बॉल सर, नए नियम के अकॉर्डिंग की पहली पारी में भी आपको नई बॉल मिलेगी, आप पाकिस्तान जब गेंदबाजी करने आए नई बॉल मिलेगी, और शाहीन अफरीदी उस क्लेवर के
गेंदबाज हैं जो कभी भी एक एक सही टप्पा पड़ने की जरूरत है, विकेट असर बिखर सकती है और मैच समझ रहे हैं इधर से उधर हो सकता है, क्योंकि एक गेंद मायने रखता है। वो आखिरी का छक्का एमएस धोनी का सबको याद होगा, युवराज सिंह का वो छह छक्के याद होंगे, आप 2013 को बेहतर तरीके से समझते होंगे, सचिन जिस तरीके से आउट हुए थे पूरा भारत रोया था, 1996 मैं बहुत छोटा था सर 96 में, वो भी आपको याद होगा जो मैच नहीं हो पाया था सर, मुझे लगता है मोहम्मद अजरुद्दीन शायद थे बैटिंग कर रहे थे कोलकाता में जो मैच था, भारत वो आखिरी में फिर वो शायद जिता भी देते क्योंकि विकेट बहुत ज्यादा गिर गई थी, फिर क्राउड ने वहाँ आगजनी कर दी थी। तो एक बॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शाहिन अफरीदी बहुत कमाल के गेंदबाज हैं, रऊफ है सर, तो एक गेंदबाज उनसे साधारण मुझे लगता है भारतीय बैट्समैन को रहना चाहिए। तो जीत के लिए लक्ष्य है 192 का, क्योंकि पाकिस्तान ने बनाए हैं 191 रन और हम चाहेंगे कि करोड़ों भारतवासियों की दुआएं काम में आए, भारत जीते और अहमदाबाद में हमें देखने मिले भारत की टीम की जीत का गरबा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ हिंदी खबर, रोहित महेश्वरी।